मुझे एक चीज बताओ, ओटीटी का किंग कौन है आपको पता है? ओटीटी का किंग भाई साहब मिर्जापुर सीजन है। बजी हाँ दोस्तों, ओटीटी किंग मिर्जापुर सीजन था। जिस टाइम मिर्जापुर रिलीज हुआ था, लोग उसमें वैल्यू तो नहीं दे रहे थे, लेकिन जब मिर्जापुर 2 रिलीज हुआ भाई साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर 24 घंटा के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज थी। जी हाँ दोस्तों, लगभग सारे सीरीज को 24 घंटा में 100% लोग देख चुके थे, जितना मिर्जापुर को देखे थे। जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर 3 की भी शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और ये OTT पे रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो है आज तारीख है 15, आज 16 तारीख है, कल 17 तारीख को भैया गुड्डू भैया, मतलब गुड्डू भैया समझ रहे हैं ना, मिर्जापुर 3 की जो मिर्जापुर की जो कैरेक्टर है, गुड्डू भैया, कालिन भैया और एक कौन थे भाई साहब, मैं तो भूल गया। तो ये जो भी कैरेक्टर है भाई साहब, इन्होंने मिर्जापुर में गजब का काम किए हुए हैं। मिर्जापुर 3 9 मई को रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, OTT में भाई साहब बेसब्री से लगभग 4 साल लंबे इंतजार के बाद में अमेजोन प्राइम वीडियो पे सबसे ज़्यादा रिलीज होने वाली है। गुड्डू भैया, कालीन भैया फिर से अपना जलवा बिखेरने के लिए रेडी है। और क्या आप रेडी है उस चीज़ को देखने के लिए कि गुड्डू भैया कालीन भैया क्या उन लोग का फ्यूचर क्या होता है? भाई साहब गुड्डू भैया कालीन भैया के फ्यूचर थोड़ा उसमें डगमग था मिर्जापुर 2 सीजन में, लेकिन आज इस वीडियो में मतलब मिर्जापुर 3 में क्या कहानी रहेगी, सबको लोग बहुत इंतजार है और हो सकता है कि ये भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर 3 को लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैंने मिर्जापुर 1 देखा भी है, 2 भी देखा है, लेकिन भाई साहब मतलब लगा यार हालांकि गाली गलौज तो है, वल्गरेटी बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन फिर भी लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद किए। तो भाई साहब हमारा समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि मान के चलिए कुछ ऐसे मूवी देखना भी पसंद करते हैं जो वल्गरेटी से रिलेटेड हो सकता है। भाई साहब आप कैसे पसंद करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। और बस यही आपको इन्फॉर्म करना था कि मिर्जापुर 3 सीजन 3 जो है वो 9 मई को रिलीज होगी OTT पे, अमेजोन प्राइम वीडियो पे। अगर आपने अमेजोन प्राइम वीडियो भाई साहब सबके पास तो अवेलेबल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मिर्जापुर 3 जब कुछ OTT पे जब चलता है तो इसे फिर यूट्यूब और फेसबुक वगैरह सब कुछ पे रिलीज कर दिया जाता है। तो मिर्जापुर 3 सीजन के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।